हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। तो बैंक रेट का मतलब वो रेट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू उन लोन्स पे जो कि दिए जाते हैं कमर्शियल बैंक को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। वहीं जो रेपो रेट है वो रेट है जो कि सेंट्रल बैंक ग्रांट करता है शॉर्ट टर्म लोन्स पे जो कमर्शियल बैंक्स को दिए जाते हैं अगेंस्ट कॉलेट्रल आर नोन एज रेपो रेट। अब हम पूछेंगे आपकी कॉलेट्रल क्या होता है। कॉलेट्रल का मतलब होता है कि इन फ्यूचर अगर कमर्शियल बैंक उस पैसे को नहीं चुका पाया तो एज अ सिक्योरिटी जो उन्होंने रिजर्व बैंक को दिया है वो जो है वो रिजर्व बैंक का हो जाएगा, यानी कि वो पैसा वहां से निकाल लेगी। अब हम बात करेंगे रेट की। तो जो बैंक रेट होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू रेपो रेट, और रिलेटिवली जो रेपो रेट होता है वो लेस होता है बैंक रेट से। कॉलेट्रल की बात करेंगे तो बैंक रेट में जब हम पैसा लेते हैं तो कोई कॉलेट्रल रखने की जरूरत नहीं पड़ती। कॉलेट्रल का मतलब होता है एज अ सिक्योरिटी हम अपनी कोई चीज वहां पे गिरवी रखते हैं, और रेपो रेट में हमें कंपल्सरीली एक एज अ सिक्योरिटी कॉलेट्रल जो है वो यूज करना पड़ता है ताकि हम उनसे अमाउंट जो है वो बोरो कर सकें। पर्पस ऑफ लोन की बात करें तो जो बैंक रेट होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। वहीं जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो होती है बैंक की उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।